सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड पे आपको मिलेगा इस तरह से 500 रुपए का लोन या 2000 का लोन ले सकते हैं, या आप यहां पे पूरे 8000 का भी लोन ले सकते हैं। यहां पे इस लोन ऐप से आज मैं आपको बताऊंगा कि सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड देने पे आपको पूरे 20000 तक का भी लोन मिल सकता है। कैसे मिलेगा, कौन सी ऐप है, सब कुछ क्लियर करूंगा इस दिवाली पे। इससे अच्छी ऐप अभी तक मेरे हिसाब से कोई नहीं है, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा तभी आप यहां से लोन निकाल सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले हमेशा की तरह मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है और सबके साथ शेयर भी करना जरूरी है, और यहाँ पे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब करना जरूरी है, फॉलो जरूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम आईडी लिख के आ रही होगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, टेलीग्राम चैनल का मैंने डायरेक्टली लिंक प्रोवाइड कर दिया, सभी डायरेक्ट क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए बिना समय गवाए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं और आपको बताता हूं वो कौन सी ऐप है जो आपको घर बैठे 500, 2000, 5000, 10000 आपके मुताबिक आपको लोन प्रोवाइड करेगी। तुम मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर देखिए भाई, देखो सबसे पहले आप स्क्रीन पे वो ऐप का नाम देख लीजिए, मैं आपको बाद में आपको पहले ही नाम क्लियर कर रहा हूँ। ऐप का नाम है युवा पर्सनल लोन ऐप, युवराज फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड इसकी NBFC है। थोड़ा सा नीचे आएंगे देखिए 1,00,000 से ज्यादा उसके डाउनलोड हो चुके हैं, 4.4 की रेटिंग है, रेटिंग बहुत ही अच्छी है। अबाउट उस ऐप में आएंगे, यहाँ पे आपको जानकारी मिल जाएगी युवराज फाइनेंस की NBFC है। मैक्सिमम 20,000 तक का लोन ले सकते हैं, रिपेमेंट की बात करें मिनिमम 61 दिन और मैक्सिमम 1 साल के लिए आपको यहाँ पे रिपेमेंट का टाइम देखने को मिल जाता है। इंटरेस्ट रेट की बात कर ले 36% पर एनम रहेगा, ठीक है, और यहाँ पे फीस जो रहेगी वो 99 रुपए से स्टार्ट हो जाती है। एग्जाम्पल भी दिया हुआ, अगर आप 10,000 का लोन 3 महीने के लिए लेते हैं, लगभग 93 डेज यानी 3 महीने मान के चलते हैं, तो आपको टोटल जो रिपेमेंट करना होगा यहाँ पे दोस्तों 11,616 रुपए करना होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको पैन कार्ड देना है, आधार कार्ड देना, तो डिजी लॉकर के माध्यम से वेरीफाई हो जाए वो होगा ही, और मंथली इनकम आपकी कम से कम 25,000 होनी चाहिए, ठीक है, और यहाँ पे और भी डिटेल्स दी हुई है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे उन्होंने ऐसा कहा है, लेकिन आपको इसका कोई प्रूफ नहीं देना है, ओनली आधार कार्ड पैन कार्ड पे यहाँ पे लोन मिल जाता है। चलिए यहाँ पे मैं एक बार इसको ओपन करके दिखाता हूँ, ऐप को ओपन करेंगे, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे देखिए ये ओपन होगी, ठीक है। यहाँ पे मुझे दिखाया जा रहा है कि भैया आप 500 रुपए का फिलहाल में लोन ले सकते हैं, ठीक है। अब 500 रुपए से मैं आगे बढ़ता हूँ तो यहाँ पे ये कुछ लिख के आ रहा है कि भैया आपकी रीच इतनी है, 500 से ज्यादा का लोन नहीं ले सकते हैं। 500 रुपए का लेता हूँ और मैं समय से चुकाता हूँ तो थोड़ा मेरा लोन का अमाउंट बढ़ जाएगा, फिर मैं लेता हूँ फिर चुकाता हूँ, तो ऐसा करते करते लोन अमाउंट यहाँ पे मेरी बढ़ सकती है। यहाँ पे अगर मैं 500 रुपए का लोन लेता हूँ तो अगर मैं यहाँ पे ये 62 दिनों को ये लेता हूँ तो टोटल रिपेमेंट करना होगा 649 यानी 150 रुपए एक्स्ट्रा मुझे पे करने होंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए किस्त भी दी हुई है 2 दिसंबर 2024 इस तरह से देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2025 तक में मुझे इसका रिपेमेंट करना होगा, यहाँ पे देखिए आपके सामने पूरा रिपेमेंट शेड्यूल भी आ गया है। नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ आप ही के सामने, यहाँ पे बोला जा रहा है कि वेरिफिकेशन करना है KYC, चलिए मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे टिक मार के वेरीफाई पे क्लिक करता हूँ, आधार कार्ड को यहाँ पे वेरीफाई कर लेता हूँ, आधार नंबर डाल के चलिए मैं कर लेता हूँ। नेक्स्ट पे मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ पे आधार का OTP आएगा मेरे मोबाइल नंबर पे, जो मेरे आधार पे मोबाइल लगा उस पे आधार का OTP डाल दिया, सबमिट पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे आधार कार्ड को वेरीफाई होने का, जो कि डिजी लॉकर के माध्यम से हो रहा है। देखिए डिजी लॉकर में मेरा ये पड़ा हुआ है पूरा मैटर, अब यहाँ पे मैं डिजी लॉकर का पिन डाल दूंगा जो मेरे 6 अंकों का है, मैं डन पे क्लिक कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे आधार कार्ड को वेरीफाई करा जाएगा, यहाँ पे मेरी आधार डिटेल्स आ गई है, अब यहाँ पे मैं अलाउ पे क्लिक कर दूंगा, अब यहाँ पे कुछ प्रोसेस चलेगा उसको थोड़ा सा वेट करेंगे। कंप्लीटेड योर KYC वेरिफिकेशन कंप्लीटेड, टैप नेक्स्ट टू प्रोसीड, अब नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं कि भैया क्या प्रोसेस दिखाया जा रहा है, यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स मांगी जा रही है, चलिए मैं यहाँ पे पूरी डाल देता हूँ। तो यहाँ पे जो पर्सनल डिटेल्स मांगी जा रही थी मैंने यहाँ पे डाल दी है, चलिए नेक्स्ट पे क्लिक करके अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है भैया आपका एड्रेस क्या, चलिए मैं अपना यहाँ पे एड्रेस भी पूरा फिलअप कर देता हूँ, जो होम एड्रेस जो मेरे आधार पर पड़ा हुआ वो मांगा जा रहा है, चलिए मैं डाल देता हूँ। तो मैंने अपना एड्रेस भी कम्प्लीट कर लिया, चलिए नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे मंथली इनकम, पैन नंबर, 12 डिजिट का आधार नंबर मांगा जा रहा है, कोई NBFC से लोन तो नहीं चल रहा है तो वो बता दीजिए, ईमेल आईडी क्या है, यहाँ पे ये सब पूरी कंडीशन डालने के बाद आपको यहाँ पे टिक मार के आगे बढ़ना होगा। और इनकम भैया यहाँ पे 25,000 से कम मत डालिएगा, नीचे यहाँ पे दिया हुआ कि 25,000 से कम की इनकम ना हो, मतलब पूरे साल की कम से कम 3,00,000 होनी चाहिए। तो यहाँ पे 25,000 डाल दिएगा तो कोई प्रूफ नहीं देना होगा, मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। चलिए यहाँ पे मंथली इनकम जो है मैं डाल देता हूँ, यहाँ पे मेरी जो है 27,000 है, ठीक है, 25,000 से ज्यादा ही रखना है। तो यहाँ पे वर्क डिटेल्स मांगे जा रही थी, मंथली इनकम क्या है, पैन नंबर क्या है, आधार नंबर क्या है और मेल आईडी क्या है, वो मैंने सारा कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट पे क्लिक करके मैं आगे बढ़ सकता हूँ और यहाँ पे 500 रुपए का लोन ले सकता हूँ। फिलहाल मुझे लेना नहीं है, लेकिन आपको दिखाना था कि प्रोसेस कैसे होता है, जो कि मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, ओनली आधार कार्ड पैन कार्ड यहाँ पे मांगा गया आप ही के सामने,
ठीक है, पैन कार्ड का नंबर, आधार कार्ड को आप के सामने वेरीफाई किया, तो यहाँ पे आप जो आधार कार्ड पैन कार्ड पे 2,500 रुपए या 8,000 रुपए इस तरह का लोन ले सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे आधार कार्ड को जो मैंने अभी वेरीफाई किया 11:53 पे वीडियो शूट कर रहा हूँ, ठीक है, 11:53 पे मैसेज आया है, इस पे क्लिक करूंगा। देखिए आधार कार्ड को जो मैंने वेरीफाई किया उसका मैसेज आया है आधार की तरफ से कि आपका आधार यहाँ पे सक्सेसफुली, ये देखिए यहाँ पे वेरीफाई किया गया ओटीपी के माध्यम से, देखिए यहाँ पे दिया है, ठीक है, तो इसका मतलब क्लियर है कि ये एकदम जेन्युइन है, आधार कार्ड को वेरीफाई कर रही है, तो आप यहाँ से लोन ले सकते हैं। मिलना नहीं मिलना इसके आपको डिपेंड करता है, आपको डॉक्यूमेंट को डिपेंड करता है कि आपको मिले या ना मिले। मैक्सिमम 20,000 तक का ये लोन प्रोवाइड कर देती है। मुझे खुद हमें 500 रुपए का लोन मिल रहा था लेकिन मैंने लिया नहीं, मुझे जरूरत नहीं थी, आपको जरूरत है तो आप 2,500 जैसा भी लोन का ऑफर निकल के आप यहाँ से ले सकते हैं ओनली आधार कार्ड पैन कार्ड पे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी, तो अब इसी के साथ मैं चलता हूं, मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।